What's up viewers? Well, sorry, last week हम लोग आपके लिए कोई भी movie review नहीं ला पाए क्योंकि हम लोग हमारे अगले project के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा. So, your host and friend Abbas is back with yet another movie review from Filmy Fanatic. तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोर्ड, इंसाफ नहीं मिला. वेल, आप लोग सोच रहे हो ये सनी पाजी का दामिनी का क्लिप इस रिव्यू में क्या कर रहा है. वेल, आप लोग मानो या ना मानो लेकिन जब से ये मूवी रिलीज हुई है ना तब से लेके आज तक जितनी भी कोर्ट रूम के ऊपर मूवीज आती है सभी को हम लोग कंपेयर करते हैं उसी मूवी और उसी सीन के साथ. और आज मैदान में एक नया खिलाड़ी उतरा है जिसका नाम है जॉली LLB 2 एंड विच हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय सुभाष कपूर और जिसका फर्स्ट पार्ट आया था 2013 में जिसमें थे बोले तो अपने मुन्ना भाई के सर के अरशद वारसी और उनके साथ थे डॉक्टर अस्थाना जिनके बीच में जम के फाइटिंग हुई थी कोर्टरूम के अंदर. तो अगर आप लोग ने ये फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, ये फर्स्ट मूवी नहीं देखी है तो जॉली LLB 2 के पहले देखने की ज़रूरत नहीं है और ये आपको समझ में आएगा जब आप लोग ये मूवी देखोगे. वेल, मूवी के स्टार कास्ट में है सबसे पहले इस बार जॉली के रोल में ना तो अमिताभ ना ही दिलीप कुमार बल्कि अपने सीधे साधे अक्षय कुमार और इनके ऑपोजिट है वेटरन एक्टर अन्नू कपूर जिन्हें 90s के बच्चे अंताक्षरी के होस्ट के तौर पे जानते हैं और उसके साथ साथ है द ब्यूटिफुल एंड गॉर्जियस हुमा कुरैशी. अच्छा, इसके पहले कि हम लोग आपस में यू नो अपने मूवी के रिव्यू के ऊपर बात करें, आपको याद है मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा लेकिन इस रिव्यू के एंड में. तो आपको ये पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा ताकि वो न्यूज़ आपको मिल सके. तो चलो मित्रों, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते और शुरू करते अपने मूवी रिव्यू के साथ. वेल, जब भी आप लोग कोई मूवी देखने जाते हो स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में एक समझ में आ जाता है कि ठीक है यार ये मूवी अच्छी होगी या यू नो सोसो होगी या बोरिंग होगी और इस मूवी के स्टार्टिंग में ही आपको समझ में आ जाएगा कि मूवी बहुत ही फाड़ू होने वाली है बॉस. क्योंकि इस मूवी के स्टार्टिंग सीन से ही अक्षय कुमार छा गए पूरी तरह से और ये फर्स्ट हाफ आपको हंसाते हुए और रुलाते हुए लेके जाएगा केस की स्टार्टिंग तक. मतलब केस क्या है, क्यों है, किसके ऊपर है और अपना जॉली मतलब अक्षय कुमार इस बार केस लड़ने के लिए क्यों डिसाइड करता है. अच्छा, और वो जो सनी पाजी का दामिनी वाला क्लिप जो हमने प्ले किया था ना उसका एक छोटा सा रेफरेंस इस मूवी के फर्स्ट हाफ में है. वो आप देखोगे तो समझ जाओगे कि वो रेफरेंस क्या है और क्यों दिया हुआ है. अच्छा, अब जॉली LLB 1 में और जॉली LLB 2 में क्या फ़र्क है ये मैं आपको बता देता हूँ. वेल, सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है कि वहाँ पे जो स्टार कास्ट था वो पूरा अलग था, यहाँ का स्टार कास्ट पूरा अलग है. LLB 1 में अरशद वारसी जो थे मेरठ के और वो केस लड़ रहे थे दिल्ली में और यहाँ पर है अक्षय कुमार जो कि इस मूवी का जो जॉली है वो है कानपुर का लेकिन केस लड़ रहा है लखनऊ में. वहाँ पर बमन ईरानी थे अरशद वारसी के अगेंस्ट और यहाँ पर अनु कपूर है अक्षय कुमार के खिलाफ. फर्स्ट मूवी में अमृता राव बनी थी गर्लफ्रेंड अरशद वारसी की और इस मूवी में हुमा कुरैशी है वाइफ अक्षय कुमार की. इन दो मूवीज़ के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक जो है वो है सौरभ शुक्ला एज सुंदरलाल त्रिपाठी, सॉरी जस्टिस सुंदरलाल त्रिपाठी. अच्छा, फर्स्ट पार्ट में अरशद वारसी ने जो केस हैंडल किया था वो फेम के लिए था. मतलब उनको चाहिए था कि यार छोटे टाइम में बड़ा नाम कर दूँ लेकिन यहाँ पर अक्षय कुमार केस ले रहे कुछ एक रीज़न से जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा आपके लिए. तो ये क्या रीज़न है अक्षय कुमार का वो आपको मालूम पड़ेगा जब आप मूवी जाके देखोगे थिएटर्स में. इस मूवी के अंदर जितने भी डायलॉग्स हैं मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखे गए हैं. मतलब ह्यूमर जो है वो बिल्कुल भी स्लैपस्टिक या चीप ह्यूमर नहीं है. इट्स ए जेन्युइन ह्यूमर कंटेंट जो वो लोग ने इस मूवी में डाला हुआ है और उसके साथ साथ जो इंटेंसिटी वाले सीन्स हैं ना मतलब जिसमें इमोशनल कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई है आपको लिटरली उन कैरेक्टर्स के लिए बुरा फील होगा और मतलब वो सीरियसनेस आपको जकड़ लेगा स्टोरी के अंदर. आप जानना चाहोगे कि ठीक है इस स्टोरी का एंड क्या होगा, अब जॉली किस तरह से केस लड़ेगा. वेल, इस मूवी के डायलॉग्स बहुत ही अच्छी तरह से लिखे हुए हैं, चाहे फिर वो ह्यूमर सीन्स हो या फिर वो सीरियस सीन्स हो, चाहे फिर वो हमें हंसाने के लिए हो या फिर हमें रुलाने के लिए. लेकिन इस मूवी के अंदर डायलॉग डिलीवरी जॉली LLB 1 से काफ़ी अच्छी लगी मुझे.
इस मूवी के अंदर डायरेक्टर सुभाष कपूर ने बहुत ही अच्छी तरह से हर एक सीन को डायरेक्ट किया हुआ है। और उसके साथ साथ मुझे जो एक चीज़ बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि फीमेल कैरेक्टर जॉली एलएलबी 1 में सिर्फ कुछ मिनटों के लिए थी, लेकिन यहाँ पर इस फीमेल कैरेक्टर मतलब हुमा कुरैशी को जॉली का बैकबोन बताया हुआ है, मतलब उनकी वाइफ थी और उनकी बैकबोन भी। और जो सेकेंड हाफ चालू होता है जिसमें इंटेंसिटी का लेवल सेकेंड हाफ के स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो लोग ने मेंटेन किया था, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह ह्यूमर बीच बीच में डालते जा रहे थे। मतलब वो जो अक्षय कुमार और अनु कपूर के बीच की जो नोकझोंक थी वो बहुत ही अच्छी तरह से बताई गई। और उसके साथ साथ जो कोर्ट रूम के अंदर पूरा ड्रामा चल रहा था, आई मीन दैट वॉज ऑसम। सो ओवरऑल मैं ये बोलूँगा कि ये जॉली एलएलबी 2 एक ऐसी मूवी है जो आपको थिएटर में जाके देखनी ही है, चाहे फिर वो नज़दीकी थिएटर हो या दूर का थिएटर हो, जाके देखो इस मूवी को, क्योंकि ये मूवी वर्थ अ वॉच है, वर्थ अ वॉच। वेल जॉली एलएलबी 2 ह्यूमर के मामले में जॉली एलएलबी 1 से बहुत आगे है और इंटेंस सीन्स के मामले में उससे बहुत ज़्यादा ऊपर। सो आई कैन से दैट यस, द डायरेक्टर सुभाष कपूर एंड अक्षय कुमार हैव डिलीवर्ड अ ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस। And Filmy Fanatic decides to give this movie a big, big thumbs up with a big smile. Because when you watch this movie, you will come out of it with a big smile on your face and a big thumbs up for the movie. सो गाइज दिस वॉज आ मूवी रिव्यू। अगर आप लोगों को हमारा ये रिव्यू पसंद आया तो थोड़ा सा कष्ट उठा लो और कमेंट में लिख दो यार कैसा लगा मूवी और हमारा रिव्यू, या फिर दोनों। और कमेंट करते करते कमेंट सेक्शन के ऊपर एक रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करो भैया। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और उसके साथ साथ लाइक भी कर दो वीडियो को, और इतना कुछ कर रहे हो तो शेयर भी कर दो यार।